वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट सिक्स। पार्ट फाइव में हमने 36 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज 37 से देखते हैं। तो 37 तो 37 में क्या पूछा जा रहा है पहले देख लीजिए। ये आपको एक सॉरी 36 ही है, 36 ही है, ठीक है 36। हाँ 35 तक ही देखा था। देखो ए इज इक्वल टू दिया है आपको अंडर रूट 5 + 1 अंडर रूट 5 - 1। बी का वैल्यू दिया है आपको, इसको निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी अपन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको निकालना है। देखो ए दे दिया गया है आपको अंडर रूट 5 + 1 अंडर रूट 5 - 1। बी दिया गया है अंडर रूट 5 - 1 अंडर रूट 5 + 1। तो आपको निकालना किसका वैल्यू है, निकालना है आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये फार्मूला जो है कहाँ से मैच कर रहा है, ये फार्मूला कहाँ से आया है ये देखो। तो ये फार्मूला देखो हमारा है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से निकल के आया फार्मूला, ठीक है। हमको दिया गया है ए बी, यहाँ पे 2ab है तो 1 ab को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 ab को यहीं पे रखो और 1 ab को इधर ले, 2 ab है ना, तो 1 ab इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली व्यवस्था हो गई। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकता हूँ। वैसे ही जस्ट अपोजिट ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब लगाएंगे आप तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से वैसे ही कम करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो जस्ट अपोजिट साइन रहेगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब करना क्या है, देखो हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस है, सॉरी ए माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी की व्यवस्था हो जाए, ए बी है ना, तीन चीज़ है अपने पास, तीन टाइप की चीज़ है ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी, तीनों की व्यवस्था हो जाती है तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे इसका वैल्यू फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी, तो सबसे पहले ए बी करते हैं, ए बी ए इंटू बी, तो देखो ए और इंटू बी का इंटू कराया, तो देखो ए इंटू बी, तो देखो सेम चीज कट जाएगी, देखो सेम है दोनों, कट जाएगा ये अंडर रूट 5 - 1 अंडर रूट 5 - सेम कट गया, तो बचा क्या है 1। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास मिल गया 1। वैसे ही ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी की व्यवस्था कर लेते हैं फिर हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ए प्लस बी करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब ऐसा करेंगे, तो क्या हो जाएगा लघुत्तम क्या होगा, इन दोनों का गुणा, नीचे वाले का दोनों का गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है ये वाला गुणा इससे होगा, ये वाला गुणा इससे होगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे गुणा होगा, तो अंडर रूट 5 + 1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट 5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, तो ए का स्क्वायर माने 5, बी का स्क्वायर 1, 2ab एंड 2 अंडर रूट 5, वैसे ही ए स्क्वायर 5, यहाँ पे 5 ना, ए स्क्वायर 5, बी स्क्वायर 1 और माइनस 2ab 2√5 और अपॉन में ये हो जाएगा 5 - 1। तो देखो ये कट गया, बचेगा क्या, देखो 5 × 6 5 × 6 ऊपर में क्या बचा 6 × 6 = 12 और यहाँ पे क्या बचा 5 - 1 = 4, तो 4 × 12, तो ए प्लस बी की हमारी व्यवस्था हो गई, 3 आ गए, ए प्लस बी 3 आ गए, ठीक है। अब करेंगे ए माइनस बी की व्यवस्था, ए माइनस बी की व्यवस्था कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्या लगेगा हमारा नेगेटिव साइन, तो देखो हम यहीं पे करके बता रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या डिटेल में करेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, यहीं पे करके बता रहे हैं। देखो साइन बस चेंज करना है बाकी सब आंसर अपने आप आएगा। माइनस साइन चेंज किया यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस था
माइनस कर दिए इसको बीच में, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, नीचे सब तो सेम रहेगा, ऊपर भी देखो इस साइड सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस हुआ है ना, देखो माइनस, अब माइनस अंदर घुसेगा इधर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर घुसेगा तो चेंज करेगा इधर को, ठीक है, ये इतना सेम तो रहेगा तीन स्टेप। उसके बाद देखो ये जो, ये जो, अब देखो माइनस साइन क्या होता है, जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देता है, माइनस रहता है उसको प्लस कर देता है, तो देखो यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है, इसको प्लस कर दिया, तो देखो फाइव फाइव कट गया, वन वन कट गया, बचा क्या, टू रूट फाइव और टू रूट फाइव, दो ठो बचा, तो टोटल कितना हुआ, टू रूट फाइव और टू रूट फाइव, देखो चार रूट फाइव अपॉन में क्या है, चार ही बचेगा, तो चार चार कटा, देखो रूट फाइव आ गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बी की व्यवस्था हो गई, अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ए प्लस बी है थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस ए बी जो है, ए बी कितना है वन, ए माइनस बी, ए माइनस बी अंडर रूट फाइव का स्क्वायर और ये प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, तीन तीनों में आठ और ये हो जाएगा पाँच एक छः, तो दो तीन छः दो चौक आठ, चार बटा तीन, अब चार बटा तीन को कैसे, एक तीन से भाग दे दो, तीन एकम तीन दशमलव तीन तीन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर, ये बी आंसर आएगा, इसमें बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये बी आंसर दिया है। अब देखो ये जो है थोड़ा कैलकुलेशन हालांकि लेंदी था, लेकिन आपके एसएससी वगैरह में, जो बैंकिंग वगैरह में आएगा थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम नहीं रहता हो तो टाइम के हिसाब से एक क्वेश्चन बनाता है, लेकिन ये जो है पीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीएससी एग्जाम बहुत टाइम रहता है, ठीक है, पीएससी यूपीएससी किसी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, अगर एसएससी में आएगा तो थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके देगा, ठीक है। अब देखते हैं 37, थर्टी सेवन में क्या बोल रहा है, देखो एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है, एक्स बराबर दिया गया है अंडर रूट फाइव प्लस रूट थ्री, अंडर रूट फाइव माइनस रूट थ्री, वाई का वैल्यू दिया गया जस्ट अपोजिट, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, ठीक है, बस जोड़ना बस तो है जस्ट, तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, चलो लिख के दिखा देता हूँ, देखो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों गुणा करते हैं तो क्या होता है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, तो नीचे नीचे में क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट फाइव का स्क्वायर, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, अब देखो ये वाला, ठीक है, ये अलग गुणा क्या होता है तिरछा इधर, और ये अलग गुणा होता है तिरछा इधर, ठीक है, ये ऐसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट फाइव प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या होगा, पाँच का स्क्वायर अंडर रूट फाइव का स्क्वायर पाँच, देखो ये रूट का स्क्वायर, देखो रूट का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर, तो ये रूट और रूट के कट जाता है, ठीक है, पाँच का वन बाई टू और ये टू, तो टू टू क्या हुआ कट गया, तो पाँच आ जाता है, ठीक है, तो रूट का जब भी स्क्वायर करोगे डायरेक्ट पाँच लिख देना, जैसे पाँच है पाँच लिख देना, यहाँ पे तीन है तीन लिख दो, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, बचा क्या दो ए बी, दो रूट ऐसा, ठीक, यहाँ पे फाइव प्लस थ्री यहाँ भी हुआ लेकिन माइनस टू फाइव और थ्री होगा, ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, और यहाँ पे देखो फाइव का फाइव और यहाँ पे थ्री, ओके, देखो पाँच तीन आठ, पाँच तीन आठ, आठ आठ कितना हो सोलह, पाँच माइनस तीन गया दो, दो अठे सोलह, तो आठ आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, ये आंसर ए आएगा इसमें, ये देख सकते हो ये आंसर है इसमें 37 का। 38 बोल रहा है, 38 क्या है, देखो 38 में चार प्रकार की चीज़ दी गई है, अंडर रूट 19 माइनस 17 या 13 माइनस चार प्रकार की चीज़ दी, इनमें से सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है बोल रहा है, ठीक है, थर्टी एट 19 माइनस 17
13-11 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। देखो चार प्रकार की चीज़ है लेकिन इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा कठिन पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 में है, कौन छोटा कौन बड़ा किससे घटाएं क्या पता नहीं चलता। तो ऐसा इसको करते हैं कि इसको प्लस में ले लेंगे, तो प्लस में कैसे लिया जाए, तो उसको ऊपर नीचे इसको प्लस वाले से गुणा कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करोगे तो देखो क्या होगा, चार प्रकार है ना, 1 2 3 4, तो देखो 19 प्लस 17, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि इसको ये दोनों कटा लिए तो एक ही मतलब है, मतलब दोनों से ऊपर नीचे वही सेम सेम चीज़ से गुणा कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि ऐसे ही कटेगा तो वैल्यू तो वही आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, देखो ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 17 और यहाँ पे बचा 19 अंडर रूट 17, तो क्या बचा 2/19 अंडर रूट 17, ठीक। जस्ट इसमें मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट लेना है, ठीक है, आपको ऊपर नीचे जैसे ही गुणा करेंगे मतलब हो क्या रहा है, देखो 19 में 17 घट रहा है, देखो 19 में 17 घटा, 2 बचा, नीचे प्लस वाला आ गया, वैसे इसमें भी प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 3 13 प्लस अंडर रूट 11, ऊपर में क्या बचेगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, देखो 19 में 17 2 बचा था, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 11 2 13, ठीक है, 2 डिफरेंस, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंस हो रहा है, तो 2/√7 + 7 √, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस है, 2/√5 + √3, ठीक है। अब हम हमारे पास कितनी चार चीज़ें आ गई है, ठीक है, चार चीज़ें आ गई है, वो चारों चीज़ों को देखो, देखो चारों संख्याओं में अंश अंश समान है, अंश अंश दो दो है समान है, ठीक है, अंश अंश समान है, तो अब हम हर की तुलना करेंगे, अंश तो समान हो गया, अब हम पता कैसे करेंगे कि छोटा या बड़ा, तो हम हर की तुलना करेंगे, ठीक है, तो हर हर को देखिए, अगर देखो कोई भी, अब सबसे बड़ा पूछ रहे हैं ना, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कोई संख्या होगा तो उसका हर क्या होगा, सबसे छोटा होगा तभी तो होगा ना, जैसे कि जैसे कि 2/5, 2/3 है, 2/3 है और 2/4 है, ठीक है, अब इनमें बोल रहा है 2 2 क्या है, सेम है ऊपर, अब हर की तुलना कीजिए, तो इनमें दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, देखो ये 2/4 माने 1/2, 2 से कटाओगे तो 1/2 माने 50%, ये कितना 0.5 है, लेकिन 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा 0.6 होगा, 2/3 है तो 0.6 होगा, तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो बड़ा कैसे हुआ ये, देखो हर, देखो हर इसका बड़ा है इसका छोटा है, माने जिसका हर छोटा, ठीक है, 3 और 4 में कौन छोटा है, ये छोटा है, जिसका हर छोटा उस वो जो है संख्या बड़ी, तो ऐसा होता है, ठीक है, तो हमारे हमको पूछा जा रहा है कि आपका संख्या कौन सी सबसे बड़ी होगी, तो हमारा क्या होगा, हर सबसे छोटा हम पता लगा लेंगे तो वही जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, तो हर कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटा है, देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है, देखो 19 और 17 देखो बड़ी संख्या है दोनों, और यहाँ पे 13 और 11 देखो, 7 और 5 देखो, 5 और 3, तो सबसे जो छोटी है उसको देखो, देखो सबको जोड़ेंगे एक ही मतलब, अंडर रूट करके जोड़ो या अंडर रूट करके जोड़ो डायरेक्ट जोड़ो, ठीक है, आपको जो संख्या मिलेगी मतलब कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग संख्या है और ये घटते जा रही है, देखो 19 17 थोड़ी बड़ी संख्या हुई, उससे थोड़ी छोटी ये वाली, उससे थोड़ी छोटी ये वाली हुई, उससे थोड़ी छोटी ये वाली, तो सबसे छोटी वाली हमको संख्या यहाँ पे मिल रही है ये वाली, तो सबसे छोटी संख्या ये है, मतलब यही संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हर ही सबसे इसका छोटा है, मिनिमम है, तो इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो नंबर क्या है ये, मैक्सिमम हो जाएगा वाला, √5 - √3, तो ये डी आंसर आपका आ जाएगा ये, ठीक है।
अब देखते हैं 39। देखो 39 आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, फिर भी बता देता हूँ। चलो ठीक है, थर्टी नाइन वैसे आप अगले वीडियो में बनाएंगे ठीक रहेगा इसको, कि 3 क्वेश्चन 15 मिनट हो गया आज, तो अगले वीडियो में देख लेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैथ्स एकेडमी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।